हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम हेयर कट करने वाले हैं। तो आज हम स्टेप कटिंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरह से स्टेप कट काटे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पार्टिंग करेंगे। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सारे हेयर को अच्छे से कॉम कर लिया है। कॉम करने के बाद देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वाटर स्प्रे किया था पूरे बालों में। उसको फिर से बालों को अच्छे से सेट कर लेना है, उसके बाद हम पार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, आगे जो ईयर टू ईयर के हेयर है उन्हें आगे छोड़ दिया है, लेकिन पीछे क्राउन एरिया के हेयर है उसे हम इस तरह से लेंगे और क्लिप कर देंगे। देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं वो, अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल है साथ में, वो भी ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा और देखिए वीडियो हमारी। तो देखिए, यहाँ पे उसके नीचे से इस तरह से और हेयर हमने लिया है, तो इस तरह से हमने बैक में से हेयर को लिया है। देखिए, कानों के ऊपर से लेते हुए हमें इस तरह से नीचे आना है और जो हमने क्राउन एरिया के बाल क्लिप किए थे उससे नीचे के इस तरह के बाल हमने लेना है। आप किस शेप में लिया है वो देख लीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमें लाइनिंग क्लियर करनी है और देखिए इसे भी हम क्लिप कर देंगे। फिर से हमने यहाँ पे थोड़ा वाटर स्प्रे किया है ताकि बाल उड़े नहीं ज़्यादातर और अच्छे से कट पाए। देखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आगे से हम हेयर को कट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आगे के बाल हैं हमारे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बीच में से पार्टिंग करके हेयर को डिवाइड कर देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ए शेप क्रिएट किया है। देखिए, इस तरह से पहले आपको ए शेप क्रिएट करना है। पहले क्लाइंट आपके जो कस्टमर है उसे पूछ लेना है कि उन्हें कितनी लेंथ चाहिए, उस हिसाब से आपको कट करना है। देखिए, इन्हें कान के पीछे अपने बाल चाहिए थे तो हम फेस से थोड़ा सा नीचे से कट करेंगे बालों को, ताकि वो अपने कान के पीछे अपने बालों को रख सके। तो देखिए, यहाँ पर हमने फेस से थोड़ा नीचे कट किया है और देखिए इसमें थोड़े से बाल और हम ऐड करेंगे और उसे भी हम उसी लेंथ में कट करेंगे। लेकिन आप हेयर कॉम्बिंग देख सकते हैं हमारी कि हमने हेयर कॉम्बिंग कितना ज़्यादा किया है। देखिए, आप जितना अच्छे से बालों को सेट करके कट करेंगे उतनी पर अच्छी आपकी कटिंग होएगी। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से कॉम करना है आपको और फिर बालों को कट करना है। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम इसमें थोड़े से बाल ऐड करते रहेंगे और उसे उसी शेप में कट करते रहेंगे। अगर आप सारे बालों को साथ में लेके सीधा कट करना चाहते हैं, वो हमने हमारी कई वीडियो में दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप और भी स्टेप कटिंग की वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर हमने अपलोड की हुई है। तो देखिए, इस तरह से हेयर कॉम करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम हेयर को कट करेंगे। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। नहीं, और ज़्यादा लेंथ शॉर्ट नहीं करवानी थी। तो देखिए, आप देख सकते हैं हम कितने हेयर को कट कर रहे हैं और पीछे भी हम इसी तरह से थोड़े से बालों को कट करेंगे, ज़्यादा हेयर को कट नहीं करेंगे। देखिए, अब जो ईयर टू ईयर के यानी कि कान की बराबरी के जो बाल है ऊपर के, वो सारे हम आगे ले लेंगे और दोनों को अच्छे से कॉम करके देखिए इस तरह से
कान के ऊपर से सारे बालों को आगे ले गए आएंगे और उसे भी हम उसी शेप में कट करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से बालों को कट करने के बाद आप उसमें चाहे तो नोचिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं बालों में भी कैची को रख के, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है हेयर में। देखिए कितना अच्छा लुक आया है। अब पीछे के बालों को कट करेंगे, तो देखिए इसमें शेप ही देना है हमें, थोड़ा से बालों को कट करना है, ज़्यादा बाल को कट नहीं करेंगे। तो ये जितना दिखाया है हमें उसी लेंथ को कट करेंगे हम। देखिए जो आगे के बाल थे वो हमने पीछे ला दिए हैं ताकि उसी को मिला के हम आगे कट कर सके। यहाँ पे हम देखिए पहले राउंड शेप था तो हम इसमें यू शेप क्रिएट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हम देखिए यहाँ पे हमने शेप दे दिया है बाल में, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है। तो जो अब हमने क्लिप किया था हेयर उसे हम पहले जो नीचे वाला है उसे छोड़ के देखिए इस तरह से बीच में से डिवाइड कर देंगे। और आप देखिए कि एक पार्ट को लेना है और फिर उसे हम कट करते हुए नीचे की ओर आएंगे। तो देखिए किस तरह से हम कट कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहला पार्ट हमने जिस तरह से कट किया है दूसरा पार्ट उसी तरह से सेम प्रोसेस है, उसी तरह से हम बालों को कट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अच्छे से कॉम्बिंग कर देंगे क्योंकि जो बालों है जो हेयर है वो देखिए इस तरह से अच्छे से क्लीन हो जाए, एक भी लम्स ना हो उसमें। तो देखिए इस तरह से नीचे के बाल जितने हमने कट किया है उससे थोड़े ऊपर से हमें कट करते हुए ऊपर की ओर से नीचे की ओर आना है। देखिए इस तरह से कट करते हुए आना है। तो देखिए आप देख सकते हैं आपको जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कट करना चाहिए वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पे हमें लग रहा था तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा हेयर को और कट किया है। तो देखिए फाइनल लुक इतना अच्छा आएगा, देखते रहिएगा फ्रेंड्स। अब जो क्राउन एरिया के हेयर है उसको भी हम देखिए इस तरह से अच्छे से कॉम करेंगे और फिर उसे भी कट करेंगे।
इस हेयर को भी हम उसी तरह से कट करेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर से कट करते हुए आएंगे और फिर नीचे की ओर कट करते हुए जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से कट करेंगे बाल को, ऊपर से नीचे की ओर कट करते हुए आएंगे। बहुत ही अच्छा स्टेप पर जाएंगे बाल में आपके और इतना अच्छा लुक आएगा। देखिए बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए देखिए यहाँ पे फाइनल कटिंग हो चुकी है हमारी, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है। और इस तरह से कट करने से ग्रोथ भी हेयर का बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। यहाँ पे इनके बालों में हमने ब्लो ड्राई नहीं किया है, लेकिन ये देखिए आगे का लुक है और पीछे आपने देखा कितना अच्छा लुक आया है। और ये जो नीचे के बाल है उतने हमने कट किए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड बाय।